हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 सोशल साइंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि द एक्सिस पावर्स डिड नॉट इंक्लूड। जो एक्सिस पावर होता है, एक्सिस का मतलब होता है समझौता, जो समझौता होता है, ठीक है, उस पावर में किसको इंक्लूड नहीं किया गया, कौन सी कंट्री थी। तो आंसर है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को एक्सिस पावर में इंक्लूड नहीं किया गया। क्वेश्चन टू है द असेंबली लाइन मेथड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, यानी किसके नाम से संबंधित है असेंबली लाइन मेथड। तो आंसर है हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन थ्री द सिल्क रूट्स लिंक्ड एशिया विद, जो सिल्क रूट है, ठीक है, वो एशिया के किस रास्ते से लिंक है। आंसर है बोथ ए एंड बी, किससे किससे है, यूरोप से एंड अफ्रीका से लिंक है एशिया रूट्स, सिल्क रूट्स। क्वेश्चन फोर है अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू, माइग्रेंट का मतलब होता है एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाना, मतलब कि आप कहीं पे पहले रह रहे थे, उस घर को छोड़कर आप कहीं दूसरे जगह रहने के लिए जाते हो अपने घर परिवार को छोड़कर, तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट्स, ठीक है। तो जो तमिल माइग्रेंट्स थे वो कहाँ पे गए, तो आंसर है सिलोन एंड मलाया में गए, ठीक है, एक जगह है वहाँ पे गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली नोन एज द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो ग्रुप ऑफ पावर होता है क्या होता है, एक्सिस पावर होता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के द्वारा, मतलब वार में ये शुरू हुई। तो कौन कौन एक्सिस पावर में इंक्लूड था, ठीक है, पहली थी जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या थे, इंक्लूड थे एक्सिस पावर में, मीन्स कि एक ही साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे। क्वेश्चन सेवन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर, यानी इन चारों में से नोबेल प्राइज विनर कौन है। आंसर है वी एस नेपाउल, ठीक है, ये क्या है, नोबेल प्राइज विनर है। क्वेश्चन एट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली आइडेंटिफाई द कॉम लॉ, ठीक है, यानी इन चारों में से कौन सा कॉम लॉ को आइडेंटिफाई करता है। आंसर है ए रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, ठीक है, यानी किसी भी चीज को इम्पोर्ट करने से रोक देना, ठीक है, रोक लगा देना इंग्लैंड जाने से, उसको हम बोलते हैं कॉर्न लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नाइन है हु डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट लेटर नोन एज अमेरिका, ठीक है। सो वास्ट, सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट जो है अमेरिका के नाम से जाना जाता है, वो उसका खोज किसने किया था, तो आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्वेश्चन टेन है व्हाई वर द यूरोपियंस अट्रैक्टेड टू अफ्रीका, जो कुछ यूरोपियन थे वो अफ्रीका के तरफ क्यों चले जाते हैं या क्यों अट्रैक्ट होते हैं अफ्रीका की तरफ, क्योंकि आंसर है क्योंकि फॉर इट्स वास्ट लैंड रिसोर्सेज एंड मिनरल्स वेल्थ, क्योंकि जो अफ्रीका में काफ़ी सोना पाया जाता है वहाँ पर लैंड रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है और मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, और बोल सकते हैं गोल्ड वगैरह हो गया, तो वहाँ पर बहुत ही ढेर सारे तादाद में मौजूद हैं, इसलिए जो यूरोपियंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अफ्रीका की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 11 है हु डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट लेटर नोन एज अमेरिका, आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन 12 नेम द राइटर हु वाज ए डिसेंडेंट ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेंट एंड आल्सो गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, यानी डिसेंडेंट इंडेंचर का क्या मतलब है कि एक ऐसा, ठीक है, नागरिक है जिसको बॉन्ड पर रखकर उसको लेबरई कराया जा रहा है, लेबरई का मतलब होता है, लेबर का मतलब होता है कि मजदूरी कराया जा रहा है, तो वो कौन है और लास्ट में मतलब कि वो उसने नोबेल प्राइज जीता, तो आंसर है वी एस नेपाउल है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है, तो आंसर है
बी अबॉन्डेड लेबर टू पे ऑफ हिज पैसेज टू न्यू कंट्री और होम, एक ऐसा लेबर जो कि बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड का मतलब होता है कि उनसे पहले ही सिग्नेचर करा लिया जाता है कि आपको इस कंपनी में ठीक है 4 से 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा, मीन्स कि उतना काम करना पड़ेगा, नहीं काम करेंगे तो वो लीगल एक्शंस आपके खिलाफ ले सकता है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डेड। क्वेश्चन 12 होता है व्हाट द प्रोडक्ट इंडिया कैरिंग ऑन एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड इन एंशियस टाइम, यानी पहले के समय में किस चीज की ठीक है प्रोडक्ट को इंडिया कैरी कर रहा था कोस्टल ट्रेड के नाम से, तो क्या क्या हो रहा था, आंसर है गुड्स, सामान वगैरह है, मनी है, स्किल है, आइडिया है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड्स रैंक, वर्ल्ड्स रैंक के पीछे सबसे मेन रीजन क्या था, तो आंसर है यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट्स, जो यूरोपियन के तैराक थे ठीक है उन्होंने रास्ता खोज लिया था कहाँ में, समुद्रों में। क्वेश्चन 16 What do you mean by group 77, group of 77 or G77? क्या मतलब है, आंसर है सी, अ ग्रुप फॉर्म बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी एक डेवलपिंग कंट्री के द्वारा ग्रुप बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं जी ग्रुप ऑफ 77 या G77। क्वेश्चन 17 What do you mean by इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में क्या मतलब होता है, मॉनेटरी का मतलब होता है मुद्रा ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सिस्टम क्या होता है, तो आंसर है इट इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम, ये क्या होता है आपके नेशनल करेंसी से ये लिंक्ड होता है ठीक है, मींस कि अगर हम चाहें तो जो हमें क्या होता है इंडिया में क्या होता है बेसिकली आप ज़्यादा कर्जे लेते हैं तो क्या होता है जो हमारी रुपए होता है वो नीचे आती है और जो डॉलर होता है ठीक है वो ऊपर जाता है इंक्रीज होता है, तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो एक दूसरे से क्या होता है लिंक होता है ठीक है, मींस कि अगर डॉलर बढ़ता है तो हमारे इंडिया पे भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 18 है व्हाट बेनिफिट्स डिड द पीपल गेट फ्रॉम द ट्रेड इन मीट, ठीक है यानी मीट की ट्रेडिंग में लोगों को कहां से बेनिफिट्स मिल रहा था, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे मीट के ट्रेडिंग में, आंसर है टेक्नोलॉजी प्रोमोटेड बेटर लिविंग कंडीशंस एट द होम एंड सपोर्ट ऑफ इंपीरियलिज्म्स अब्रॉड, मींस कि टेक्नोलॉजी का प्रमोट हो रहा था इससे ठीक है। दूसरी बात है फ्रोजन मीट ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप रिड्यूस द कास्ट ऑफ द शिपिंग मीट एंड मेड इट, ठीक है अगर हम लोग क्या कर रहे थे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मीट को यूरोप में तो इससे क्या होती जो फ्रोजन मीट थे मतलब कि बर्फ में इसको एक देश से दूसरी जगह यूरोप में भेजा जाता था तो इससे क्या होती थी कास्ट की बचत होती थी, ठीक है रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस एंड एनिमल डाई ड्यूरिंग शिपिंग्स, शिपिंग के दौरान ठीक है वह ढेर कोई भी एनिमल्स नहीं मर सकते थे मीन्स कि समुद्र के रास्ते जा रहा था और रिस्क भी काफ़ी कम था लॉस का, तो इसीलिए मीट कट रेट में काफ़ी फायदा हो रहे थे उस समय। क्वेश्चन 19 बाई विच क्रूशियल इन्फ्लुएंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्टेड वॉज सैप्ड, यानी जब वर्ल्ड वार हुआ ठीक है उसके बाद जितने नुकसान हुए गए थे तो किसके द्वारा किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया उन सारे नुकसान को पोस्ट वार यानी वार के बाद, तो आंसर है बोथ बी एंड सी, किस तरह द कोलैप्स ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड द इमर्जेंस ऑफ सोवियत यूनियन एज अ वर्ल्ड पावर। क्वेश्चन 20 है इन बिटवीन होम द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज फॉट, यानी किसके बीच में दूसरी ठीक है वर्ल्ड वार लड़ा गया, आंसर है द एलिज एंड द एक्सिस पावर के बीच में। क्वेश्चन 22 द कॉन्सेप्ट ऑफ एन असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स इज अडॉप्टेड बाय होम, किसके द्वारा ठीक है असेंबली लाइन के थ्रू ठीक है किसके द्वारा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया असेंबली लाइन के लिए ऑटोमोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, हेनरी फोर्ड के द्वारा, क्योंकि असेंबली लाइन का यूज करके क्या होता था कि जो भी गाड़ियां बनती थी ना वो काफी कम टाइम में बन जाती थी, इससे कि हेनरी फोर्ड के द्वारा लिया गया ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 22 है विच ऑफ दिस कम अंडर द एलिस पावर, एलिस पावर इन सब में से किसके अंडर में आता है, ब्रिटेन फ्रांस एंड रसिया, ठीक है ब्रिटेन फ्रांस रसिया क्या है एक एलिस पावर है। क्वेश्चन 23 व्हाट डू यू मीन बाय रैंडरपेस्ट, रैंडरपेस्ट का मतलब क्या है, अ डिजीज, ये एक तरह की बीमारी है। क्वेश्चन 24 है व्हाट इज द
ब्रेटन वुड्स एसोसिएटेड विद। ब्रेटन वुड किस चीज से संबंधित है? आंसर है बोथ ए एंड बी। अ पोस्ट वार इंटरनेशनल सिस्टम टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्वेश्चन 25 एंड लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैरिफ का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? तो आंसर है टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्री इम्पोर्ट्स। मतलब कि अगर कंट्री, ठीक है, क्या कर रही है, इम्पोर्ट कर रही है, यानी माल को मंगा रही है, माल को बेच रही है, तो इससे क्या होता है, टैक्स पे करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं टैरिफ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।